मध्य प्रदेश की धर्मनगरी दमोह के विद्वानों की नगरी खड़ेरी में भव्य एवं मनोहारी श्री तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय जी का निर्माण होगा, जिसके लिए 29 मई को चैत्यालय में माँ जिनवानी को स्थापित किया गया। विद्वानों की नगरी खड़ेरी में भव्य एवं मनोहारी श्री तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय जी का निर्माण होगा, जिसके लिए 29 मई को पुराने चैत्यालय जी से विधि विधान पूर्वक माँ जिनवानी को तारण भवन में विराजमान किया गया। समाज सेवी श्री दीपक राज जैन ने बताया कि समाज बंधुओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए मां जिनवाड़ी को तारण भवन में विराजमान कराया गया। रेडी में सैकड़ों वर्ष पुराना हमारा तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय था। समय के हिसाब से हमारे साधर्मी कम थे। आज खरेड़ी में सकल तारण समाज के बहुत अधिक घर होने से चैत्यालय छोटा पड़ रहा है, जिसके जीर्ण उद्धार हेतु नवीन चैत्यालय का निर्माण बहुत शीघ्र किया जाना है। आज हमारे समाज के बुजुर्ग पदाधिकारी माताएं बहनें और युवा साथियों से देख एक आवाल गोपाल बच्चों ने पुराने चैत्यालय को नए रूप देने के लिए माँ जिनवानी को बहुत ही बहुमानपूर्वक तारण भवन में विराजमान किया। दमोह क्षेत्र के मान्य सम्माननीय जितने भी विद्वतगण हैं और हमारी भाई बहनें वहाँ पधारे, वो बहुत विनय से एक एक जिनवानी माँ को अपने मस्तक पे विराजमान करके तारण भवन में विराजमान किया और डिसमेंटल जो हमारा पुराना चैत्यालय है उसकी वेदी को खोद के नदी में विसर्जन करके उसको बहा दिया, क्षमा याचना की। इस अवसर पर पंडित श्री जय कुमार जी जैन पटेरा, पंडित श्री महेश जी जैन पटियागढ़ के सानिध्य में मंदिर विधि का आयोजन कर सकल जैन समाज ने मां जिनवाड़ी की मंगल आराधना की और बहुत ही बहुमान पूर्वक मंगल गान एवं जय घोष के साथ मां जिनवाड़ी को तारण भवन में विराजमान किया। जैन फोकस के लिए दमोह मध्य प्रदेश से दीपक राज जैन की रिपोर्ट।